आदाब दोस्तों, मैं हूँ शहजाद आलम बर्नी। आप देख रहे हैं द बर्नी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए वो मुद्दा है कि क्या बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में सज़ा मिलने के डर से उमा भारती ने अपने आप को कोरोना पॉजिटिव बताया है। दरअसल 30 सितंबर को लखनऊ में सीबीआई की एक विशेष अदालत फैसला सुनाएगी, जो 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया था उस संबंध में बीजेपी के 4 मुख्य नेताओं समेत कुल मिलाकर के 32 लोगों को आरोपी बनाया गया था बाबरी मस्जिद के विध्वंस का षड्यंत्र रचने के लिए, जिसमें एलके आडवाणी हैं, मुरली मनोहर जोशी हैं, तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह हैं और उमा भारती हैं। हालांकि उमा भारती को एक रोज़ पहले ही बीजेपी ने अपनी कार्यकारिणी की समिति से भी बाहर कर दिया है। नई बीजेपी कमेटी गठित हो गई है, जिसमें उमा भारती को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से हटा दिया गया है। 27 सितंबर आज हो चुकी है, 30 सितंबर को यानी कि 3 रोज़ बाद ये फैसला आना है और सीबीआई की विशेष अदालत ने ख़ास तौर से कहा है कि सभी आरोपी जिनके ऊपर ये मुकदमा चल रहा है वो सभी लोग 30 सितंबर को लखनऊ की जो सीबीआई की विशेष अदालत है फैसले के समय पर वहाँ पर मौजूद रहे। लेकिन आज 3 रोज़ पहले यानी कि 30 सितंबर से 3 रोज़ पहले 27 सितंबर को उमा भारती ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं और उन्होंने अपने आप को ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच में एक जगह है वंदे मातरम कुंज, वहाँ पर अपने आप को क्वारंटीन कर लिया है। सवाल ये उठता है कि क्या ये क्वारंटीन जानबूझ करके किया गया है, क्या वाकई में जो है कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं, या फिर एक ढोंग रचा जा रहा है कहीं ना कहीं कोरोना के नाम पर सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले के समय वहाँ पर मौजूद न रहने के लिए एक बेहतरीन बहाना ढूंढा जा रहा है कोरोना का। ऐसा पहले भी कई सारी चीज़ों में देखने को मिला है, जब बड़े नेताओं ने अपनी इज्जत बचाने के लिए कोरोना का सहारा लिया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में उमा भारती को कोरोना हो गया है, या फिर ये कहीं ना कहीं सीबीआई के इस केस में जो फैसला आना है वहाँ पर मौजूद रहने से बचने का एक अच्छा तरीका उमा भारती ने ढूंढा है। आपको क्या लगता है, अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाएं, जाकर के अपनी राय हमें जरूर बताएं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आप हमें सोशल मीडिया पर यानी कि इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं उन लिंक्स पर जाकर के आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।